एक इबरतनाक किस्सा बयान किया जा रहा है। एक बहुत बड़े आलिम और मशहूर मुक्तदा और इल्म मारिफत के आला मियार वाले एक आदमी का किस्सा है। इसमें उसमें बहुत सी इबरतें हैं। बनी इसराइल के एक आलिम मुक्तदा की गुमराही का इबरतनाक वाकया। ये कौन था? ये बलाम बाउरा था। इसका नाम था बलाम बाउरा, नाम था इसका। कि इंसान पर जब नफ्स गालिब आ जाता है तो फिर वो कैसे इल्म की रोशनी में भी गुमराह हो जाता है। तो इब्ने मर्दुवैह ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से नकल किया है कि उस शख्स का नाम बलाम बाउरा था, ये बनी इसराइल में से था। जब अल्लाह ताला ने उसको इल्म दिया, लजी आतैनाहु आयातिना, अल्लाह ताला सर्टिफिकेट दे रहे हैं ये वो शख्स था जिसको हमने अपनी आयतें दी, इससे बड़ा सर्टिफिकेट उसके इल्म का और क्या होगा। जब गर्क फिरौन, फिरौन के गर्क का वाकया हुआ और मिस्र फतह हुआ, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को कौम जब्बारीन से जिहाद करने का हुक्म मिला कि चलो अभी अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। और जब्बारीन ने देखा कि मूसा तमाम बनी इसराइल का लश्कर लेकर पहुँच गए और उनके मुकाबिल कौम फिरौन का गर्क व गारत होना उनको पहले से मालूम था कि मूसा आए हैं और बनी इसराइल आए हैं, तो अब हम जब्बारीन हार जाएंगे। तो उनको फिक्र हुई, जमा होकर बलाम इब्ने बाउरा के पास आए, कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम सख्त आदमी हैं, उनके साथ बहुत से लश्कर हैं, वो इसलिए आए हैं कि हमको हमारे मुल्क से निकाल दें, आप अल्लाह से दुआ करें, आप बड़े अल्लाह वाले हैं, हमारे मुकाबले से वापस कर दें उनको। वजह यह थी कि बलाम बाउरा को इसमें आज़म मालूम था, उसके ज़रिए वो जो दुआ करता था वो कबूल हो जाती थी। बलाम ने कहा, अफसोस है कि तुम कैसी बात करते हो, मूसा अल्लाह वाले हैं, नबी हैं, उनके मुकाबले पर मैं कैसे तुम्हारे लिए दुआ कर सकता हूँ। उन लोगों ने बहुत इसरार किया तो ना बलाम बाउरा ने कहा अच्छे कि मैं अपने रब से ज़रा मुआमला कर लूँ, क्या ऐसी दुआ करने की इजाज़त है या नहीं। उसने कुछ इस्तखारा किया होगा, अल्लाह ने मना कर दिया कि बिल्कुल नहीं, तुम जब्बारीन का साथ मत दो। और मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ मत हो, लेकिन एक माल और औरत ऐसी चीज़ है जो इंसान को अंधा कर देती है। वहाँ उन्होंने वो फार्मूला इस्तेमाल किया तो इन्होंने बड़ा हदिया दे दिया बलाम बाउरा को, जब्बारीन कौम ने बड़ा हदिया दे दिया। वो हदिया नहीं, रिश्वत थी वो। और ये कहते हैं कि बीवी ने कहा ले लो इनका माल और कर दो इनका काम, बीवी ने कहा। अब उसने बीवी की मोहब्बत में अंधा होकर यह काम शुरू किया कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के ख़िलाफ़ बद्दुआ करना शुरू की। उस वक्त कुदरत इलाहिया का अजीब करिश्मा ये ज़ाहिर हुआ कि ज़ुबान पलट दी अल्लाह ने, जो बद्दुआ के कलिमात वो मूसा और बनी इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहता था वो कौम जब्बारीन के ख़िलाफ़ अल्फाज निकल रहे थे। बद्दुआ किसके लिए हो रही थी? सब उसी के हाथ में है न, सब उसी के हाथ। इशारा है तेरा काफ़ी घटाने में बढ़ाने में। अब लोग चिल्ला उठे कि एक तो माल लिया हमारा, फिर उसके बाद हमारे खिलाफ बद्दुआ बेड़ा गर्क। उसने कहा मैं मजबूर हूँ, मेरी ज़ुबान मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं कादिर नहीं हूँ, इसको चलाता कोई और है। नतीजा ये हुआ कि उस कौम पर तबाही नाजिल हुई। बलाम को ये सज़ा मिली कि उसकी ज़ुबान जिसका गलत इस्तेमाल किया वो लटक के पेट तक आ गई, उसकी ज़ुबान अब सांस लेना मुश्किल हो गया, उसका सीने पर लटक गई, सीने तक के आ गई। और अब उसने अपनी कौम से कहा मेरी तो दुनिया भी गई आखिरत भी चली गई, अब मेरी कोई दुआ चलती नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक चाल बतलाता हूँ। और वो चाल क्या है? पहले माल आया और अब पहले अब जो है औरत आई। उसने कहा एक हसीन लड़की को तैयार करो, बनी इसराइल के लश्कर में भेज दो। बहुत दिनों से ये लोग औरत दीदा नहीं है और ये बाहर जिहाद में लगे हुए हैं, और ताकीद ये करो कि कोई भी छेड़े तो उसको तू रोकना मत, जो चाहे करे, रुकावट मत न बने। ये लोग मुसाफिर हैं, अपने घरों से निकले, इस तदबीर से मुमकिन है कि ये हराम कारी में मुब्तला हो जाए,
जैसे ही ये हराम कारी में मुब्तला हो जाएंगे अल्लाह की मदद रुक जाएगी। हराम कारियों से अल्लाह की मददें रुक जाती है। अतराफ़ का जायज़ा लो तो पता चलेगा कि मुस्लिम कौम कितनी हराम कारियों में मुब्तला है, इसीलिए तो अल्लाह की मददें नहीं आती। जी, अल्लाह ताला के नज़दीक हराम कारी का कारी इंतहाई मबगूज़ है। जिस कौम में यह हो उस पर ज़रूर अल्लाह का अज़ाब आता है, वो फातह कामरान नहीं हो सकती। बलाम की शैतानी ये चाल उनकी समझ में आई, अमल किया। बनी इसराइल का एक बड़ा आदमी उसका फरेफ्ता हुआ और जाल का शिकार हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको बहुत समझाया कि एक आजमाइश है, लेकिन वो सुना नहीं और शैतानी जाल में मुब्तला हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बनी इसराइल में सख्त किस्म का ताउन फैला, कॉलेरा, हैज़ा, ये नित नई बीमारियां भी गुनाहों का नतीजा है। एक दिन में 70,000 इसराइली मर गए उस कॉलेरा की वजह से। जिस शख्स ने बुरा काम किया था उसके जोड़े को, वो मर्द और औरत, बनी इसराइल ने कत्ल करके मंजरे आम पर टांग दिया कि सब लोग इबरत हासिल करें, तब जाकर वो ताउन खत्म हुआ। फन सलख मिनहा, जो इल्म का हमने उसको इल्म की खाल दी थी उससे वो निकल गया। इंसलाख कहते हैं चमड़े से जानवर को निकाल लेना और चमड़े को जानवर से निकाल लेना, इसको कहते हैं इंसलाख। तो ये कह रहे हैं जो इल्म वगैरह हमने दिया था उसको, वो एक लिबास था उसका, कि उसके पास जो इल्म मारिफत थी उससे बिल्कुल वो जुदा हो गया और शैतान का शिकार हो गया, वो बिल्कुल जाहिलों जैसा हो गया। मतलब ये है कि जब तक इल्म आयात, इल्म आयात और ज़िक्रुल्लाह उसके साथ था, शैतान का काबू उस पर न चल सका। जब वो जाता रहा और वो उस इल्म के खोल से निकल गया तो शैतान उस पर काबू याफ्ता हो गया। फ़कान मिनल गावीन, यानी फिर वो हो गया गुमराहों में से। मतलब ये कि शैतान के काबू में आने का नतीजा ये हुआ कि वो गुमराहों में शामिल हो गया। आगे है, वलौ शिना लरफअनाहु बिहा, अगर वो ज़रा सब्र करता अपने इल्म पर और वो रिश्वत न लेता और बिकता नहीं, तो हम इन आयात के ज़रिए रफअनाहु बिहा उसे बहुत ऊंचाई तक ले जाते, बहुत बुलंद करते, वो तो जलील हो गया। वलाकिन्नहु अखलद इलल अर्ज़, लेकिन तो ज़मीन वाला हो गया, वो तो पस्ती को कबूल करने वाला हो गया। वत्तबअ हवा, और अपने ख्वाहिशात का ताबेदार बन गया, इसने उसको हलाक कर दिया। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं फमसलहु कमसलिल कल्ब, अब उसकी मिसाल कुत्ते की तरह हो गई। सांस लेने में हर एक को आसानी है, खुद ब खुद सांस आती है और जाती है, तकलीफ़ देने वाली बाहर निकल जाती है, नफ़ा देने वाली अंदर आती है। एक जानवर कुत्ता ऐसा है जिसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है कि थके बगैर और भागे बगैर और उसको कोई सताए इसके बगैर भी वो हमेशा सांस तकलीफ़ों से लेता है। ज़ुबान बाहर निकालनी पड़ती है सांस लेने के लिए इंसान और दूसरे लोग। ये कैसे हैं कि ये बहुत थक जाएं तो फिर इस तरह करेंगे, लेकिन कुत्ता हर हाल में, आप उसको उसके हाल पर छोड़ें या थकाएं, हर हाल में वो सांस दुश्वारी से लेगा, ज़ुबान लटकी हुई होगी। तो बताया कि वो बलाम बाउरा आलिम साहब का ये हाल हो गया, गुनाहों और नाफरमानी की वजह से कि ज़ुबान सीने तक लटक गई और सांस लेना भी दुश्वार हो गया। कितनी बड़ी नेमत है सांस लेना आसानी से। इस मौसम के अंदर जिनको दमे का मर्ज होता है, दुआ करो कि अल्लाह उनको सेहत दे, वरना वो औंधे पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं जब सांस लेने में तकलीफ़ होती। कितनी बड़ी बड़ी नेमत है। एक का हाजमा बिगड़ गया, मैंने कहा क्या हुआ, कहने लगे नाक की हड्डी ज़रा बढ़ गई थी, ऑपरेशन किया थोड़ी ज़्यादा कट गई, तो सांस ज़्यादा चली जाती है, उसका असर यह है कि हाजमे का सारा सिस्टम फेल हो गया। कैसा कैसा अल्लाह का पैमाना है, कैसी कैसी नेमतें हैं। फमसलहु कमसलिल कल्ब, कुत्ते की तरह उसकी मिसाल हो गई, वो कुत्ते की तरह हो गया, हर हाल में ज़ुबान निकाल कर सांस लेता है। उसके बाद फरमाया ज़ालिका मसलुल कौमिल लज़ीन कज़्ज़बू बि आयातिना, ये सिर्फ बलाम बाउरा की मिसाल ऐसी नहीं है, बल्कि जो भी अल्लाह की आयतों को झुटलाएंगे
वो तमाम अक्वाम और अफराद की मिसाल यही है, यही मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, फरमाया मुराद इससे अहले मक्का है जो हमेशा से ये तमन्ना किया करते थे उनके पास कोई हादी रहबर आए जो उनको अल्लाह ताला की इताअत की तरफ बुलाए, वो ताअत के सही तरीक़े सिखाए। फिर जब वो रहबर आ गया ऐसी खुली निशानियों के साथ आए कि उनके उनकी सच्चाई हक्कानियत में ज़रा भी शक व शुबा की गुंजाइश ना रही तो उनकी तकजीब करने वाले झुटलाने वाले आयत इलाहिया से रूगर्दानी करने लगे। और बाज़ हज़रात ने कहा इससे मुराद बनी इसराइल है जो बेअसत नबवी से पहले आपकी अलामत देखकर तबूक में और इसी तरह मदीना में तक आकर वो मुंतज़िर रहे, लेकिन दुश्मनी ने उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से रोक दिया। और आयत का उमूम कि जो हमारी आयतों को झुटलाई या क़यामत तक के आने वाली जो अल्लाह की आयतों को झुटलाएंगे उन सब पर फिट है कि वह सब कुत्तों की तरह है। और हो सकता है अल्लाह ताला आखिरत में इन झुठलाने वालों को, एक तो एक मानता नहीं और एक झुठलाता है, जुरत करता है अल्लाह की आयतों को, तो उसे वही सज़ा देंगे कि बस ज़ुबान लटकी होगी, सांस भी लेना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। फरमाया फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफक्करून, ये किस्से सुनाओ इनको ताकि ये लोग सोचने वाले, फ़िक्र करने वाले, गौर करने वाले बन जाएँ। सबसे पहले तो ये समझ में आया किसी भी आलिम और जाहिद को और आबिद को अपनी इबादतों पर, इल्म पर, जुहद पर नाज नहीं होना चाहिए, इसलिए कि कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं, जैसे बलाम बाउरा का हश्र हुआ। बल्कि इबादत इताअत के साथ शुक्र अदा करना चाहिए। यह भी समझ में आया कि इनके मुकदमात से भी आदमी को परहेज़ करना चाहिए, जैसा कि उसको अपने दीन की ख़राबी का अंदेशा हो, खुसूसन माल अहल वियाल के मोहब्बत में इस अंजाम बद को हमेशा पेश नज़र रखना चाहिए कि अल्लाह की नाफरमानी करना तो बहुत आगे की बात है, जो नाफरमानी तक ले जाए उन हालात से भी अपने आप को बचाना चाहिए। मन हम हिमा आसा यकाफी, जो जानवर किसी की बाढ़ के करीब गया, जहाँ चरना मना है, करीब गया तो करीब है कि वो मुंह मार ही देगा, और जब मार देगा मुंह तो फिर मार खाएगा। तो अल्लाह की भी बाढ़ है, हलाल है खूब करो, हराम से बचो, नज़दीक भी मत जाओ। तीसरे ये बताया कि मुफसिद गुमराह लोगों के साथ ताल्लुक़, उनका हदिया या दावत वगैरह कबूल करने से भी परहेज़ करना चाहिए। फसाद फैलाने वाले लोगों के साथ ताल्लुक़ रखना, उनका हदिया कबूल करना, उनकी दावत कबूल करना, इससे भी परहेज़ करना चाहिए। बलाम इस बला में उनके हदिया कबूल करने के की वजह से ही मुब्तला हुआ। चौथे ये समझ में आया, बेहयाई और हरामकारी पूरी कौम के लिए तबाही और बर्बादी का सामान होती है। जो कौम अपने आप को बलाओं आफतों से महफूज रखना चाहे, उस पर लाजिम है कि अपनी कौम को बेहयाई के कामों से पूरे एहतमाम के साथ रोके, वरना अल्लाह ताला के अजाब को दावत देना होगा। हम देख रहे हैं अपने घर से लेकर महलों तक, बस्तियों तक, औरतों को, मर्दों को, छोटों को और बड़ों को, सबको देख रहे हैं कि उनमें बहुत से अल्लाह की नाफरमानी में मुबतला हैं। जितना हो सके रोकने की कोशिश करें दुआ से, दिल में बुरा समझकर दुआ से आगाज़ करें, और जितना समझा सकते हैं उतना समझाने की कोशिश करें, वरना जब अजाब आता है तो अच्छे भी गेहूँ भी, घुन भी गेहूँ के साथ क्या होते हैं, पिस जाते हैं, अच्छे भी पिस जाते हैं। एक बात ये भी समझ में आई, आयत इलाहिया की खिलाफ वर्जी खुद भी एक अजाब है, और उसकी वजह से शैतान उस पर गालिब आकर हज़ारों खराबियों में मुबतला करता है। इसलिए जिस शख्स को अल्लाह ने इल्म दीन अता किया हो उसको चाहिए कि उसकी कदर करे और इस्लाह अमल की फ़िक्र से किसी भी वक्त फारिग ना हो, खुद हम भी सुधरें।